अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे खेतों का मंज़र और ये सारा कुछ। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प ये चाहिए कि मेरे पास पहले थी सुजुकी वैगन आर VXL मॉडल, जिसके टॉप स्पीड और दूसरे किस्म के जो रिव्यूज़ थे मैंने काफ़ी फेसबुक पे YouTube के ऊपर मैंने उसको अपलोड किया हुआ था। तो मैंने अपनी गाड़ी रिसेंटली मार्च में उसको सेल आउट कर दिया और काफ़ी अच्छे पैसों में सेल आउट हो गई। मैंने उसको ख़रीदा था लगभग 10,75,000 की इनवाइस थी, तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह सेल कर लिया 13,00,000 के करीब करीब, अच्छी पैसों में बिक गई। बट मसला फिर वही आया कि बेच तो दी गाड़ी, पर बेचने के बाद अब नई कौन सी लें, और नई गाड़ियों की आपको पता प्राइसेस कहाँ तक हैं। तो सुजुकी वैगनार चला चला के मुझे, वैगनार बहुत अच्छी गाड़ी थी इन टर्म्स ऑफ माइलेज, बट बाकी चीज़ों के हिसाब से बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की फैसिलिटीज़ वो लोग दे रहे थे। तो अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ किया पिकांटो मैनुअल वर्सेस सुजुकी कल्टस VXL मॉडल। फ्रेंड्स, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं माजरा चाहूँगा कि आपको मेरे चेहरे पे मास्क नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं एक जगह पे नमाज़ पढ़ने के लिए रुका हूँ, तो मैंने जस्ट अभी वज़ू किया है और नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने मास्क अभी नहीं पहना हुआ, क्योंकि इतनी यहाँ जिस जगह पर मैं हूँ, ये बेसिकली एक गाँव है, तो यहाँ पर इतने लोग नहीं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, अभी ये मैं बेसिकली आज मैंने जैसे आप मेरी कंटेंट, आपने मेरी वीडियो का जो थंबनेल है उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं डिसीजन लेना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग पिकांटो और सुजुकी कल्टस में। अब मैं बेसिकली, मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा नॉलेज बिखरा होगा, इतना नॉलेज है कि आप देख देख के शायद आप थक जाओ, बट आपका नॉलेज वहाँ से जो मिलना है वो ख़त्म नहीं होगा। तो ऑल आई वॉन्ट कि मुझे जो लोग पिकांटो को यूज़ कर रहे हैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताएं। और अब वो मेरे भाई जो सुजुकी कल्टस VXL जिन्होंने रखी हुई है, और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सर काइंडली मुझे आप अपने व्यूज़ के बारे में बताएं, और आपको क्या मतलब, आप क्या समझते हैं एक एक्सपर्ट व्यूज़। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो। तो बाकी जो आप लोगों का डिसीजन होगा या जो आप लोगों की मेजोरिटी राय होगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही जाऊंगा और वही चीज़ अपने लिए पसंद करूंगा जो आप भाई मुझे रिकमेंड करेंगे। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।